एक लेडी सीएम जो भारत भारत में एक ही सीएम है, वो सीएम को हराने के लिए पूरा भारतवर्ष का जितना भी नेता लोग है यहाँ आके गुंडागर्दी कर रहा है। सीएम है आदित्यनाथ जी, मतलब हम लोग का यूपी का, पहले वहाँ का जो लड़की लोग है, जो महिला है, उन लोग का सुरक्षा दे। वहाँ तो डेली दिन में 2, 3, 4, 5, 10 चारों तरफ होता है, बलात्कार होता है, खून होता है। पहले वो अपना स्टेट को संभाले, उसका बाद वो बंगाल में आए। यही तो हम पहले बोला कि वो बीजेपी पहले बंगाल में दो पैर में खड़ा होने सके। पोलिंग एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट तैयार करे, उसका बाद सपना देखेगा सरकार का। बहुत नेता आएगा, बहुत जाएगा। ये बंगाल चलता है दीदी का मुंह पर, दीदी का जोड़ा पुल पर, दीदी का आवेग पर चलता है बंगाल। जो भी 294 जो सीट है, हर सीट में दीदी कैंडिडेट है। आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिराज राजदान, आप देख रहे हैं दि कंटक। आज हम लोग मौजूद है बाराबोनी विधानसभा इलाके में। हमारे सामने उपस्थित है बाराबोनी के एक्स एमएलए और तृणमूल के उम्मीदवार विधान उपाध्याय जी। आइए हम लोग बात करते हैं हमारे विधान उपाध्याय जी से। सर, पहले तो आपका हमारे में धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि देखा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन चुनाव में, असेंबली चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शब्दों का लगातार वार जारी है, और जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता, दिग्गज लीडर बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो लोग पहले 294 जो सीट है उस सीट में अपना कैंडिडेट दे, क्योंकि उसका पायरे भी ठीक नहीं है, पायरे नहीं है। दूसरा पार्टी से जो चोर चट्ठा आदमी है सबको लेके वो लोग पार्टी खड़ा कर रहा है, और हर तरफ हर जगह पे झमेला हो रहा है। पहले ही संभाले, उसका बाद बंगाल का सरकार संभलेगा। सर, जैसा कि देखा गया है कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बंगाल का दौरा पे आए, और उन्होंने कहा कि बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्हें जय श्री राम के नारे से डर लगता है और बंगाल में बेटियां महफूज नहीं है। पहला बात है, बंगाल का संस्कृति अलग होता है, और धर्म लेके राजनीति नहीं करना चाहिए। और जय श्री राम हम लोग नहीं कहते हैं, सीताराम कहते हैं जी। तो ये पहले जिन्होंने बोला है उनका सीखना चाहिए। पहले उनका जो स्टेट है, जहाँ का सीएम है आदित्यनाथ जी, मतलब हम लोग का यूपी का, पहले वहाँ का जो लड़की लोग है, जो महिला है, उन लोग का सुरक्षा दे। वहाँ तो डेली दिन में 2, 3, 4, 5, 10 चारों तरफ होता है, बलात्कार होता है, खून होता है। पहले वो अपना स्टेट को संभाले, उसका बाद वो बंगाल में आए। और सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि जब से हम बंगाल की सीएम माननीय ममता बनर्जी के ऊपर में हमला किया गया, जिसकी वजह से बंगाल की सीएम के पैर में चोट लगने की वजह से लगातार वो रैली किए जा रही है, तो क्या ममता बनर्जी जी के इस रैली से और जो ये चोट लगा है, इससे कुछ यहाँ के असेंबली चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? एकदम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभाव जो लोग एक लेडीज को, एक लेडीज सीएम जो भारत में एक ही सीएम है, वो सीएम को हराने के लिए पूरा भारतवर्ष का जितना भी नेता लोग है यहाँ आके गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ एक एक महिला का ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये पब्लिक, बंगाल का पब्लिक देख रहा, बंगाल का पब्लिक जवाब देने के लिए तैयार है। 26 मार्च जो शुरू होगा, एकदम 29 अप्रैल तक जो इलेक्शन है, ये देखा देगा कैसे बंगाल है यार, दूसरा चीज है बंगाल। अच्छा सर, ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा के जो भी लीडर है अभी तक वो यहाँ बंगाल में अपने कैंडिडेट के नाम का घोषणा नहीं किए हैं, और जो भी नाम का घोषणा किए हैं अभी, उसमें देखा गया है कि 4 MP जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को MLA का टिकट दिया जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या उनके पास उम्मीदवार की नाम नहीं है जो वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर तक को MLA में खड़ा कर रहे हैं? यही तो हम पहले बोला कि वो बीजेपी पहले बंगाल में दो पैर में खड़ा होने सके। पहले उसका हर बूथ
पहले 294 कैंडिडेट निकाले, उसका बाद बूथ का जो कैडर है कैडर को निकाले, कैडर को तैयार करे, पोलिंग एजेंट होता है पोलिंग एजेंट तैयार करे, उसका बाद सपना देखेगा सरकार का। यहाँ जो होता है यहाँ जो अभी जो ट्रेंड आया है, ये ट्रेंड में जितना चोर चौट्ठा लोग को भगा करके लेके जा रहा दूसरे वो अपना पार्टी में, वहाँ जाके खड़ा करा रहा, उसमें भी उसका पे नहीं हो रहा, 294 सीट का नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, तब एमपी है एमपी लोग को लेके जाके वहाँ विधानसभा में खड़ा कर रहा है। वो लोग पहले अपना देखे कि वहाँ उन लोग का कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कहाँ से आएगा, ये पहले ठीक कर ले, तब तक इलेक्शन भी लगता ही निकल जाएगा जब तक वो लोग कैंडिडेट सेट करेगा। सर एक बात और था कि नेता की केंद्र भाजपा की वरिष्ठ नेता बंगाल आ रहे हैं, बंगाल का दौरा कर रहे हैं, और भाजपा ये कह रही है कि बाद में बंगाल में कमल खिलेगा और बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन उनके आपसी गुट में कल जैसे कलकत्ता में भाजपा का जो लीडर जिसको टिकट दिया गया है उसके टिकट मिलने के कारण भाजपाइयों जो है लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो इसको सर आप किस नजरिए से देखेंगे? यही तो बोला, पहले वो अपना घर को संभाल ले, उसका बाद बंगाल को संभालेगा। जो अपना घर को संभाल ले नहीं सक रहा, वो बंगाल इतना बड़ा बंगाल को कैसे संभालेगा? 294 सीट को इतना बड़ा स्टेट है, तो उसको घर को संभाले, उसका बाद वो लोग लड़ने आए। सर जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से वो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से एनआरसी के बारे में बोल रहे हैं, अभी किसान आंदोलन के खिलाफ भी वो लोग हैं, कल किसान आंदोलन, दो दिन पहले किसान आंदोलन भी हुआ, तो सर ये किसान आंदोलन जिस तरह से यहाँ हुआ है, तो क्या इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, हर बात में पड़ेगा। उन लोग का जो भी 2014 जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, हमारा आसनसोल में आके पोलो ग्राउंड में आके बोला था वो लोग कि पूरा 2 करोड़ आदमी को हर साल में नौकरी देंगे, 15 लाख कर का हर का अकाउंट में घुसेगा, उसका बाद एनआरसी जो नोटबंदी हुआ, जो भी चीज़ हुआ, अभी देख लीजिए ना, उजाला का गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को वो लोग उजाला का प्रकल्प में घुसा रहा, एक 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 गैस दे रहा, वो गैस का दाम हो गया 900 रुपया। हम अभी गए थे, हम प्रचार में जब वहाँ जाके पूछे, हम मीटिंग कर रहे थे, बोला उजाला गैस मिला है? बोला हाँ मिला है। बोला गैस लेके क्या करेगा, वो तो हमको तालाब में फेंकना पड़ेगा। हमने क्यों भाई, तो बोलता है वो उसका दाम है 900 रुपया, हम लोग डेली कमा करके डेली खाते हैं, यहाँ कहाँ से लेगा? तो हम लोग जाके बीजेपी को बोलो जे उजाला गैस दिया है तो हर महीना में पैसा दे 900 रुपया करके। तो सर उनका कहना ये है, केंद्र सरकार का कहना है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, कि केंद्र से जो योजना राज्य के लिए दी जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस केंद्र के योजना को यहाँ परमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए ये पश्चिम बंगाल जो है विकास से दूर है, इसमें आप क्या कहेंगे? एक ही प्रकल्प का हम नाम बोलेंगे, माने ये आप लोग प्रचार कीजिए अच्छा से, जो आयुष्मान है जी। और हमारा हेल्थ कार्ड हो गया दीदी का, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो अरबोंपति आदमी है, जो करोड़ोंपति आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो नीचा है, जो बंगाल में ए से जेड तक आदमी को ही मिलेगा, ये हुआ प्रकल्प दीदी का। और आयुष्मान का क्या हुआ, जिसका घर में टीवी रहेगा आयुष्मान नहीं मिलेगा, जिसका पास मोबाइल रहेगा नहीं मिलेगा, जिसका पास बाइक रहेगा नहीं मिलेगा, तो वो प्रकल्प हमारा बंगाल में लेके क्या करेंगे हम लोग? हमारा बंगाल में तो ज़्यादातर का गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, हर घर में एक टीवी रहता है देखने के लिए रात को, तो टीवी रहेगा तो लोग आयुष्मान नहीं देगा, बाइक रहेगा तो देगा नहीं, गाड़ी रहने से नहीं देगा, तो कैसे प्रकल्प बंगाल में लेके हम लोग क्या करेंगे? अच्छा सर, हमारी जनता एक बात और जानना चाहती है, खास करके पश्चिम बर्धमान के हवाले से, कि अभी जो कुछ दिन पहले आपके तिरमूल के MLA और एक्स मेयर जो तिरमूल छोड़कर भाजपा में गए हैं, क्या उनके भाजपा में जाने से आसनसोल के इलेक्शन में कुछ प्रभाव पड़ने वाली है? बहुत नेता आएगा, बहुत जाएगा, ये बंगाल चलता है दीदी का मुँह पर, दीदी का जोड़ा पुल पर, दीदी का आवेग पर चलता है बंगाल। जो भी 294 जो सीट है, हर सीट में दीदी कैंडिडेट है, और ये पार्टी एकदम दीदी का पार्टी है, बुलंद पार्टी है। हम लोग जैसे पार्टी करते हैं, हम लोग दीदी का सैनिक है, हम लोग को छोटा छोटा जगह पर चार्ज दिया गया है, तो कौन जाता है कौन आता है, एक समुंदर से एक 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 एक, 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 एक बाल्टी पानी चल जाने से कुछ नहीं दिक्कत आता है। अच्छा सर, एक प्रश्न है कि कोरोना काल के समय तृणमूल के मुखिया ममता बनर्जी और उनके सिपा सलार, उनके कार्यकर्ता, टोटल लोग जो है
कोरोना के लेकर के आम जनता का सेवा में लगे हुए थे। तो सर इसमें जो अन्य जो दल है जो आकर के आज जो पार्टी का अपना प्रचार कर रहे हैं सर, उसके बारे में सर आपकी क्या? यही 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 बोल रहे हैं कि जो शीत ग्रीष्म वर्षा जो बंगाल में होता है, बांग्लादेश बोले शीत ग्रीष्म वर्षा মমতা ব্যানার্জি ভরসা। আমরা গোটা বছর পুরো বছর 365 দিন 24 ঘন্টা আমরা কাজ করে যাই মানুষের সাথে। আর এই যে পার্টিগুলো আছে এই পার্টিগুলো পরিযায়ী পাখির মতো আছে। আপনারা দেখলেন দিল্লি বা যেটা কোভিডের সময়ে যারা পরিযায়ী শ্রমিক ছিল তাদের জন্য যেভাবে ওরা কোনো কিছু ব্যবস্থা করতে পারেনি, যেভাবে ওদেরকে মানে সেই হেঁটে হেঁটে কত লোককে ট্রেনে পিছিয়ে কত লোকের মৃত্যু হয়েছে, তো এগুলো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। দিল্লিতে এখন কিষাণ আন্দোলন চলছে, ওদের সাথে কথা বলার টাইম নেই। এখন শুধু আমাদের হামলো কা বাঙাল মে আকে ইয়া জবরদস্তি করকে দিদি কো হারানা চাহতে হয়। তো ইলোক জব আদমি কা দুঃখ হতা হয় তব পৌঁছতা নেই হয়, জব ভোট আতা হয় তব 15 দিন কে লিয়ে লোক ঝান্ডা লেকে পাঞ্জা পায়জামা পাঞ্জাবি পিন কে ভাত জোড় করকে খালি ধর্ম কা নাম পর আদমি কো বটওয়ারা করকে ভোট করাতা হয়। हमारा अपील है आपका चैनल से, धर्म पर वोट होना नहीं चाहिए। तो सर हमारी चैनल के माध्यम से आप पश्चिम बंगाल के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले असेंबली चुनाव के सिलसिले में, बस कुछ बात आप कहें? हम एक ही बात बोलेंगे, বাংলাতেই বলছি, যেহেতু আমার পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ বাংলা সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, দিদি যেভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু সাথে স্বাস্থ্য সাথে ধনী গরিব হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই সব শ্রেণীর মানুষের জন্য দিন রাত সারা বছর 365 দিন 24 ঘন্টা যেভাবে কাজ করেছেন তার প্রতি আপনারা আস্থা রাখুন। আর যে পার্টিরা যারা সরকারে আসতে চাইছে তারা শুধুমাত্র ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের যে একটা শান্তির পরিবেশ আছে, পশ্চিমবঙ্গের যেটা একটা সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিটাকে নষ্ট করতে চাইছে। আমি আপনাদের কাছে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আমার বারাবণী বিধানসভার সমস্ত মানুষকে অনুরোধ করব যে দিদির সাথে থাকুন, দিদির পাশে থাকুন আর রাজ্য সরকারের সাথে থাকুন। আগামী যে বিধানসভা নির্বাচন এই নির্বাচনে সবার কাছে করজোড়ে নিবেদন রইল, আপনারা জোড়া ফুলে ভোট দিন, দিদিকে নবান্নে নিয়ে আসুন। দিদি নবান্নে না এলে পশ্চিমবঙ্গে গুজরাট হয়ে যাবে, পশ্চিমবঙ্গ ইউপি হয়ে যাবে, পশ্চিমবঙ্গ বিহার হয়ে যাবে। আমরা চাই না পশ্চিমবঙ্গ থাক, পশ্চিমবঙ্গই আগামী দিনে ভারতবর্ষের পথ দেখাবে। এই নির্বাচন একটা কঠিন নির্বাচন, এই নির্বাচনে কিন্তু গোটা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দিকে যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধর্মের দিকে যাবে না উন্নয়নের দিকে যাবে না শান্তির পরিবেশের দিকে যাবে। তাই আপনার চ্যানেলের মধ্যে সকলকে অনুরোধ রইল জোড়া ফুলের সাথে থাকুন, দিদির পাশে থাকুন। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे चैनल में देख रहे थे तृणमूल के उम्मीदवार माननीय विधान उपाध्याय जी से हम लोग बात कर रहे थे, तो विधान उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दी कंटप सिराज राजदान, कैमरामैन कमाल खान के साथ।